TGIS The Grind बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। वीक 4 के समाचार कुछ इस प्रकार। टीम VST के डैजल की चकाचौंध ने दिखाए कार्निवल गेमिंग को इरांगल में तारे। साथियों ने भी दिखाया भरपूर अग्रेशन और पाया पहला स्थान। कार्निवल गेमिंग के परफॉर्मेंस के ग्राफ में आया एक ड्रॉप। अच्छी शुरुआत के बाद भी इम्पैक्ट डालने में रहे असफल। एक एवरेज शुरुआत के बाद ग्राइंड वन ईस्पोर्ट्स ने सैनहॉक में बदला अपना रूप। 16 फिनिशेस के साथ एक चौथाई लॉबी को किया शांत। इरांगल में 7 और मीरामार में 0 अंक निकालने के बाद भी रेवन ईस्पोर्ट्स ने नहीं मानी हार। सैनहॉक में किया एक बड़ा कमबैक, 25 पॉइंट्स निकाल के ग्रुप 2 में रहे पहले स्थान पर। बिग ब्रदर ईस्पोर्ट्स और गुजरात टाइगर्स ने दिखाई किश्तों में ब्रिलियंस। इनकंसिस्टेंसी का हुए शिकार, दूसरे और तीसरे पायदान पे किया फिनिश। गॉड्स रेन ने किया रेन सुप्रीम। पोजिशन पॉइंट्स के साथ निकाले फिनिशेस भी। बेहतर गन पावर और रोटेशंस के साथ निकाले 41 अंक और किया पॉइंट्स टेबल को टॉप। फैंस की डेस्ट्रो से गुहार, निकाली जाए एक और ट्रॉफी। गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स के लिए आया एक और अच्छा वीक। 33 पॉइंट्स निकाल के रहे दूसरे पायदान पे। पहले सिम फिर जॉनथन को MVP बनता देख फैंस में आई नॉस्टैल्जिया की लहर। ग्रुप 3 में दिखा तजुर्बे का दम, जाने माने नाम रहे सबसे ऊपर। ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ने इरांगल में 20 फिनिशेस के साथ निकाला चिकन डिनर भी। बीस्ट और निंजा बॉय ने निकाले 9 और 8 फिनिशेस। जी फाइटिंग के नारों से गूंजी पूरी चैट। ओरैंगटन ने मीरामार के बीहड़ को बनाया अपना जंगल। AKOP और एश की बेहतरीन जोड़ी का नहीं मिल पाया कोई भी तोड़। अग्रेसिव प्ले स्टाइल और बेहतरीन तालमेल के साथ जीता फैंस का दिल। डाउनहिल ईस्पोर्ट्स का प्रदर्शन एक बार फिर गया डाउनहिल। फाइट्स में दिखी कोऑर्डिनेशन की कमी, मात्र 12 अंक निकाले और रहे 8वें पायदान पर। सेंसे की ड्रीम टीम बनी लॉबी के लिए नाइटमेयर। लगातार 2 मैचेस में गिराए 30 बॉम्बर्स। इरांगल में 20 और मीरामार में 22 फिनिशेस के साथ रेवनेंट ईस्पोर्ट्स का लहराया परचम। BGIS द ग्राइंड 2024 में रेवनेंट ईस्पोर्ट्स ने बनाया एक वीक में हाईएस्ट पॉइंट्स बनाने का रिकॉर्ड। 2 चिकन डिनर्स के दम पर निकाले टोटल 75 पॉइंट्स। पहली चिकन डिनर हैट्रिक के रिकॉर्ड से चूकी रेवरेंट। फियर्स का बड़ा बयान, औरों को भी दिया जाए मौका। रश इफ पॉसिबल मिजोरम ने एक बार फिर से किया फैंस को इम्प्रेस। मीरामार और सैनहॉक में निकाले लगातार 2 चिकन डिनर्स। 41 पॉइंट्स के साथ किया टेबल टॉप। हैदराबाद हाइड्रास ने बरकरार रखा अपना अच्छा फॉर्म। फिनिशेस निकालने में नहीं दिखाई कोई भी झिझक। 37 पॉइंट्स के साथ रहे दूसरे मैदान पर। वेलोसिटी गेमिंग के फैंस को वीक 4 में भी हाथ लगी सिर्फ निराशा। 3 मुकाबलों में निकाले मात्र 2 अंक, पॉइंट्स टेबल में रहे सबसे नीचे। जक्स ईस्पोर्ट्स के वरदान ने एक ग्रेनेड से किया नंबर 1 ईस्पोर्ट्स का सफाया। चारों खिलाड़ी अभी भी सदमे में। टीम की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ 31 पॉइंट्स निकाल के किया थर्ड प्लेस फिनिश। पहले 2 मैचेस में जल्दी एलिमिनेट होने के बाद टीम 8-bit ने करी सैनहॉक में कमबैक करने की कोशिश। ग्रुप 15 में टॉप 3 में आने में रहे फिर भी असमर्थ। 0 फिनिश क्लब में जुड़ा IM ऑफिशियल्स का नाम। ग्रुप 2 में शांतिपूर्वक कमाया 16वां पायदान। ग्रुप 16 में एस्ट्रो किड्स और टीम मद्रासी के बीच में दिखी पॉइंट्स के लिए गजब की भिड़ंत। दोनों ही टीम ने निकाले 32 पॉइंट्स। पोजिशन पॉइंट्स कम होने के कारण एस्ट्रो किड्स रहे दूसरे पायदान पर। इनिशियल हफ्तों के ड्रीम रन के बाद ड्रीम टीम ईस्पोर्ट्स की चमक पड़ी फीकी। टॉप 8 में जगह बनाने से रहे असमर्थ। इसी के साथ द ग्राइंड होता है समाप्त। अब मिलेंगे आपसे राउंड 1 की खबरों के साथ।